क्लास फोर्थ। आज मैं आपको ड्राइंग में ये फर्स्ट पेज पर आपकी एक्टिविटी है लेडी फिंगर इम्प्रेशर। आपको मैं समझाऊंगी ये आपको कैसे बनाना है। देखिए, पहले आप शीट लीजिए और 1.5 सेंटीमीटर का आपको बॉर्डर बनाना है। ऐसे निशान लगा लीजिए और 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर का आपको चौड़ा बॉर्डर बनाना है। पहले आप स्केल से निशान जरूर लगाना, तब उसके बाद आप ये बॉर्डर ड्रॉ करोगे। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 का सेंटीमीटर का आपको बॉर्डर बनाना है और 3 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर। आपको यहाँ पर जो भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क का नाम लिखना है, इसलिए लाइन ड्रॉ की है। अब देखो, आपको ये पहले ट्री ड्रॉ करना है। ट्री ड्रॉ कीजिए, आपका ये ट्री ड्रॉ हो गया है। अब देखिए, इसके लिए आपको ये कटी हुई लेडी फिंगर चाहिए और ये वाटर कलर और ब्रश। अब आपको इस ट्री में पहले कलर करना है। इसमें हम पहले ब्राउन कलर करेंगे। देखिए, अब आपका ये वाटर कलर हो गया है ट्री में। अब आपको पेंसिल से ट्री की हल्की हल्की राउंड में हल्का हल्का निशान लगा के शेप बना लेंगे ट्री की, ताकि आपको लेडी फिंगर इम्प्रेशर करते टाइम एक शेप मिले। अब आपको ग्रीन कलर ब्रश से अब देखो बच्चों, आपको ग्रीन और येलो कलर दोनों यूज करने हैं। आप लेडी फिंगर कटिंग कर लीजिए, फिर ब्रश से इसमें अच्छे से कलर लगाइए। वो थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके आप ये इम्प्रेशन देते रहिए। जब सूख जाए फिर दोबारा लगा लेना।
इसमें बीच बीच में आप कहीं कहीं येलो कलर का भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें हम कहीं कहीं पर डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं। इसमें हमने येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दो कलर यूज किए हैं और नीचे ब्राउन कलर यूज किया है। अब हम इसके बॉर्डर में कलर करेंगे। बॉर्डर में आप कोई सा भी कलर कर सकते हो। बॉर्डर में कलर करने के लिए आप फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो। इससे जल्दी भी होगा और सफाई से होगा। कोई भी हम डिजाइन बना रहे हो उसमें पहले हमें बॉर्डर जरूर बनाना चाहिए। इससे जो भी डिजाइन बना होता है वो अच्छा लगता है। देखो बच्चों, अब इसमें बॉर्डर में कलर हो गया है। अब ये बन गया है। अब आप बच्चों इटरी के पास थोड़ी सी ग्रास बनाना। इस ग्रास को बनाने के लिए आप 0 नंबर का ब्रश यूज करोगे और ये वर्क बच्चों आपको वाटर कलर से ही करना है। इसमें क्रियॉन्स कलर यूज नहीं करना है। इसमें आप ग्रास में फ्लावर भी बना सकते हो। जैसे आपने लेडी फिंगर से ग्रीन कलर का ट्री बनाया है, आप इसमें रेड कलर करके जहाँ पर बच्चों हमने ये ग्रास बनाई है वहाँ पर हम रेड कलर यूज करेंगे तो ये हमें फ्लावर की तरह लगेंगे। अब हम ऊपर लिखेंगे ये हमने कौन सी एक्टिविटी की है।
वेजिटेबल एक्टिविटी। देखिए अब हमारी ये एक्टिविटी रेडी है। आपको बॉर्डर में चारों तरफ ब्लैक कलर से आउटलाइन भी करनी है। ये सारा वर्क होने के बाद आप ब्लैक कलर से बॉर्डर में चारों तरफ आउटलाइन भी करेंगे। देखो बच्चों अब आपकी ये एक्टिविटी रेडी है और आपको A4 साइज की शीट पर नहीं बनाना है, आपको अपनी ड्राइंग फाइल में बनाना है और ये एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है। ज़रूरी नहीं आप ये ट्री बनाओ, आप और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो, सीनरी भी बना सकते हो, फ्लावर पॉट भी बना सकते हो, जो भी आप डिज़ाइन चाहो वो बना सकते हो। और उसमें आपको ये लेडी फिंगर का इम्प्रेशन देना है वाटर कलर से।